हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई सो मत होप ये आप बस सब बताने ठीक के होंगे। लिए हम भी ठीक हैं और माही स्कूल के लिए बोल रेडी हो गए। अभी मैं उसको ना एक दिया देखना है क्या करती है, वो दिखाऊंगा अभी तो देखना। चलो अभी बस ये रेडी हो रही है, फिर इसको छोड़ के आता हूँ। ठीक है। इतनी खुशी माई कैसे भागेगी आज माई कैसे भागेगी आज? आज रेस कंपटीशन है अरे इस आपका, कैसे कॉम्पिटिशन है आपका, भागोगे? जीत बहुत क्या होगे? गेट। तो गाइज मैं ना घर आ गया था माही को छोड़ के। तो आज है 20 फरवरी, कल हमारी एनिवर्सरी है, हमारी शादी को 8 साल हो जाएंगे अच्छे से, यानी कि 8 साल हो जाएंगे कल, और हमें 24 तारीख को हो जाएंगे 10 साल। और फेसबुक पे हमें फ्रेंड बने हुए भी कल 10 साल हो गए। और तो कल देखते हैं डिनर वगैरह पे जाएंगे या मन है भी नहीं भी मूड क्या यार, वैसे ही वो डिपेंड करता है क्या घर कहते हाय हैं। ये भाग्य तो बस वही है। कल हम लोग अपना एनिवर्सरी मनाएंगे, बाहर जाएंगे दोनों, और माही मैं सोनल तीनों। और यार एक हमारे रिलेटिव का फंक्शन था, वहाँ जा नहीं पा रहे क्योंकि मेरे ना तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं है यार, गला ही नहीं ठीक हो रहा, क्या दिमाग खराब हो गया। बाकी चलो कोई नहीं, बाद में मिलाएंगे उनको, शादी के बाद मिल लेंगे। तो मैं ना अभी एक्टिवा सर्विस कराने जाता हूँ, सोनल वाला सर्विस करा के लाता हूँ, फिर स्कूल जाना है माही को लेने, तब तक सर्विस वगैरह हो जाएगी। ठीक है गाइज, मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी तो मैं अभी अरुण और के साथ काम करने आ गए थे, अरुण और लगे हुए हैं यहाँ, किसी के ना गैस चोरी हो गई थी, मतलब गैस चोरी क्या हो गई, पाइप ही काटने की कोशिश करी थी, लगे हुए हैं टंका लगाने में। तो डक्ट टेबल में गैस डालनी है, 8 किलो तो गैस ही डल जाती है इसमें। बस फिर अभी एक ही एसी में डालनी है, कहते एक में डाल दो, तो ये डाल देते हैं, काम चल जाएगा, इनका सैलून है तो बाद में डाल देंगे बाकी। तो चलो ठीक है, मिलता हूँ गैस थोड़ी देर में। फोन आ गया अभिषेक का, दोस्त का नाम भी अभिषेक है, तो आप लोग शायद मिले हो उससे या नहीं। तो बस बियर पे आ गए थे यार, बाहर में बैठे हुए पहले, दो चार पाँच हजार और बाकी खर्चे वही है भी अपना चल ही रहा है। अभी बस ऑर्डर कर रहा है, बियर तो आ गई है। तो गाइस अभी मैं फ्री हो गया था वहाँ से, दोस्त के साथ गया था बाहर पार्टी करने, ऐसे ही थोड़ा सा अपना, मैं कहा काफ़ी टाइम बाद, महीने महीने ही हो गया था हमें मिले हुए। तो जैसे कल आपको पता ही है मेरा एनिवर्सरी है, हमारी मैरिज को 8 साल हो जाएंगे, और हमें वैसे मिले हुए हमें 10 साल हो गए। तो और अभी मैंने केक लिया था सरप्राइज, सोनल को नहीं पता है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने काफ़ी 2-3 सालों से हमने कोई सरप्राइज़ नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा बस वैसे ही कभी केक लेके नहीं गए, पिछले साल तो काटा भी नहीं था हमने, हम एनिवर्सरी पे जो ऐसे ही हम गए थे और हमने वहीं केक काट लिया था, वो भी ऑन द स्पॉट रात को। तो अभी मैंने केक लिया, बड़ा सुंदर सा केक है 46। तो बस वही है, माही भी खुश हो जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा यूनिक सा केक है, अच्छा है। पर माही में भी उठी रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं उठी होगी तो उसको बुरा लगेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि वो उठी हो तो वो देख ले जब हम केक काट रहे हों, 1 घंटा ही रह गया अप्रोक्स, बट वो ये उसका स्कूल भी जाना है ना कल, तो देख लेंगे। चलो अगर उठी होगी, उसके लिए चॉकलेट भी लिए माए के लिए, क्योंकि उसने बोला था पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आना,
तो जस्ट अभी एक चॉकलेट ली है और एक केक ले लिया, क्योंकि सोनल लोन ने तो घर पे ही खाना खा लिया था, मैंने भी बाहर खा लिया। तो बस अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है गैस, मिलता हूँ घर जाके, केक काटेंगे। गैस मैं घर आ गया था, 11 बज रहे हैं, तो 1 घंटा बचा है हमारी एनिवर्सरी को। तो बस माही, मैंने कहा था ना माही सो जाएगी, और सो गई है, उसके लिए चॉकलेट लाया था। तो ये मेरा बच्चा सो रहा है। अरे माही, पापा आ गए। है मेरा बच्चे की पापा की आवाज सुनते ही उठ जाता है। पापा चॉकलेट लाए थे लिए, मामा चॉकलेट दो। मैंने कहा था पापा माही को चॉकलेट की आवाज आनी चाहिए। ये देख सुंदर है ना। हेलो गाइस बोलो, बोलो हेलो गाइस। निन्नी है, आधी निंदी तो होगी, 2-3 घंटे हो गए ना। सॉरी गाइस, मैं वो डांटना मत यार, मैं बच्चे को उठा दिया मैंने, बड़े चॉकलेट के साथ सो जाएगी, खाएगी नहीं। तो बस चलो मिलते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। वाओ, केक इज ऑसम। हाँ कैसा है? मम्मी, तो वही मैंने कहा था ना कि माही सो जाएगी, तो 12 बजे सोगी। चलो कोई बात नहीं, सुबह खा लेगी केक। हमने केक काट लिया, बड़ा ना सोनल को पता लग गया था। वो मेरे मुंह से ना गलती से निकल गया कि मैं 46 में हूँ, तो इसको वो फिर पता ही लग गया कि मुझे वहाँ पता क्या ही था आप कहना केक लेके आओगे। है। तो आपने मेरे को क्या समझाओ पागल? खुद तो कभी लाती नहीं आजकल ये केक। मैंने जैसे बताया था 3 साल हो गया, मैं कोई एक दूसरे को सरप्राइज वगैरह हमने दिए नहीं, ऐसे ही बस अचानक। तो बच्चे हैं। बच्चे क्या अच्छा लगता है, और ये मेरा बेबी शोला है। हैप्पी एनी, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी कल हम शायद बाहर जाएंगे, कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।